नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महर्षि विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने जन सुनवाई की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट पहुंचकर जानी। वे कलेक्टर मोहित बुंदस से मिले और उन्होंने समझा कि किस तरीके से जन सुनवाई में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और उन्हें संबंधित विभागों तक भेजा जाता है। कलेक्टर मोहित बुंदस ने जानकारी देते हुए बताया कि जन सुनवाई में सभी विभागों के प्रमुख अपने कार्यालयों में बैठकर समस्याएं सुनते हैं और उनके निराकरण की हर संभव कोशिश करते हैं। हम लोग आज यहाँ पे ये देखने के लिए आए हैं कि प्रदेश में किस टाइप की प्रॉब्लम्स और यहाँ पे जन सुनवाई कैसे होती है, लोगों की प्रॉब्लम्स का यहाँ पे समाधान कैसे होता है, क्या यहाँ पे स्टेप्स लिए जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सुना जाता है। उन्होंने ये बताया कि हर अलग अलग विभाग का अपना अपना अलग कंट्रोलमेंट, कहाँ लोग कैसे अपनी समस्याएं बताते हैं, किस विभाग में कैसे काम होता है, उन्हें हमें ये सब समझाया। आज हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से जन सुनवाई होती है और हमने कई मिनिस्टरों से भी मुलाकात करी और जो यहाँ पे कलेक्टर सर बैठे हैं हमने उनसे भी बातचीत करी। क्या कहा कलेक्टर आपने? कलेक्टर सर से हमने बातचीत करी तो उन्होंने हमें ये बताया कि किस प्रकार से जन सुनवाई होती है, उसका पूरा उन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन दिया और हमें बताया कि मतलब जो हमारी चीज की प्रॉब्लम क्या है। हम लोग यहाँ पर ये पता करने आए हैं कि जन सुनवाई किस प्रकार होती है, किस प्रकार लोगों की समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिलता है और किस किस प्रकार के अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। हर विभाग का एक अलग अधिकारी होता है जो हमें जो लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं और यहाँ पर कलेक्टर साहब लोगों की समस्याएं सुनकर उनको उससे निर्धारित अधिकारी के पास भेजते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। छोटे छोटे नौनिहालों के लिए माता पिता के सामने सबसे बड़ी परेशानी तब जाती है जब वे हो जाते हैं स्कूल जाने लायक। सबसे बड़ी चिंता एक बेहतर स्कूल की, एक बेहतर वातावरण की, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, वातावरण महत्वपूर्ण है। जी हां, इसी को देखकर यूरो किड्स की फ्रेंचाइजी लाई है पूरे देश में। यूरो किड्स यानी छोटे बच्चों के लिए एक बेहतर पाठशाला। क्लासरूम में बच्चों की भीड़ नहीं बल्कि 10 बच्चों के ऊपर एक टीचर की व्यवस्था। बच्चों के लिए बेहतर वेंटिलेटेड एयर कूल्ड क्लासरूम, नॉन टॉक्सिक टॉयज और शैक्षणिक सामग्री। इसके अलावा उनके मनोरंजन के लिए पपिट थिएटर, लाइब्रेरी, जिम और योगा भी। सेफ, हेल्दी एंड हाइजेनिक एनवायरमेंट। स्कूल में चल रही बच्चों की गतिविधि की जानकारी के लिए रेगुलर पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसके अलावा डॉक्टर ऑन कॉल फैसिलिटी भी उपलब्ध। यूरोकिड्स आपके बच्चों को देता है साइंटिफिकली डिजाइन करिकुलम, जिसमें आपके बच्चे के माइंड, बॉडी और सोल का पूरा विकास बेहतर ढंग से हो सके। इन गर्मियों में अपने बच्चों को दीजिए फन समर का मजा। समर क्लब 2019 बच्चों के लिए पेंटिंग, क्राफ्ट वर्क, पूल, डांस, जिम एंड योगा एक्सरसाइजेज फन वर्ल्ड के माध्यम से 1 मई से 15 मई 2019 समय सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो अपने नौनिहालों को दीजिए एक सुंदर जगह, एक सुरक्षित जगह। यूरो किड्स प्ले स्कूल बिहाइंड नंबर 1 स्कूल, हाउस नंबर 11, रामाजी नगर, छतरपुर।